यहाँ पर इशारा करते हुए इस टाइम है यहाँ पर अपर का शराब देगा बालक कैसे अपर को पास किया झुका कर खेल दिया इस बाल पर यहाँ पर फिर का रास्ते रहोगे अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा यहाँ पर इसके स्नान है अंपायर का इशारा चार रास्ते है यहाँ पर आवाज है हुआ एक शानदार आवाज है यहाँ पर है कई शहीद है की जाने से यहाँ पर है चार रास के साथ है इस मैच का आवाज है अकाबर की जानेब से उजर देखना होगा किस तरह कब्जा करते हैं एक लंबे रन आपके साथ है रन आपने मौजूद बालक दौड़ने शुरू किया कैसे अंपायर को पास किया यहाँ पर अंपायर का इशारा देखना होगा लेग स्टंप से बाजी बाज की ये बाल अंपायर शॉट का इशारा की ये वाइड बॉल किस तरह रन का इजाफा होते हुए फहीम शहीद बी के खाते में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फहीम शहीद क्रिकेट टूर्नामेंट का आज है दूसरा दिन और दूसरे दिन का पहला मैच अजमल शहीद बा मुकाबला फहीम शहीद बी बा मुकाबला अजमल शहीद आज दूसरे दिन का पहला मुकाबला और पहले मुकाबले का पहला ओवर जारी हो सारी उजैर सामना करेंगे उनका काबर अदनान। अच्छा शॉट फ्लिक किया और बॉल को भेजा बाउंड्री लाइन से बाहर यकीनन लेकिन अंपायर का इशारा देखना होगा क्योंकि कैच जरूर किया वहां पर मौजूद फील्डर ने और अंपायर का इशारा किया विद इन द बाउंड्री लाइन विद इन द बाउंड्री लाइन इस बॉल को कैच किया गया था और काबर अदनान की इनिंग्स का खात्मा होगा एक शानदार कैच के नतीजे में लगाने के बाद है इन इसका इख्तिताम हुआ इस तरह बड़ा बड़ा नुकसान फहीम शहीद सिंह को अकादर किसे रखने याद है उजार है अपनी इनिंग्स की पहली विकेट लेने में कामयाब हुए हैं शानदार यहाँ पर है टूर्नामेंट का इन्हें काट दिया गया है इस पर है इंतजामिया सरदार मेहरान है और उनकी पूरी टीम को अवामी इलाका की तरफ से और तमाम सपोर्ट में जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं उन सब की तरफ से इंतजामिया को यहाँ पर मुबारकबाद पेश करते हैं हमने इतनी यहाँ पर है खूबसूरत है मेले का आगाज किया इन्होंने अब नए आने वाले बल्लेबाज है नए आने वाले बल्लेबाज समी सामना करेंगे उजैर पेसर का ओवर द विकेट उजैर अपने बॉलिंग निशान से दो टू हुए आए अंपायर को क्रॉस किया अच्छा शॉट डाउन द ग्राउंड खेला लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है एक रन यकीनन मिलेगा बैट्समैन को और एक रन पे इत्तेफाक किया समी ने और स्कोर का मजमा 5-4 एक विकेट के नुकसान पर बैट्समैन नेम के रमीज कैप्टन ऑफ द साइड स्ट्राइक पर मौजूद है और नो बॉल मिला यहाँ पर फ्री बॉल करवाएंगे उजैर रमीज को एक जाने माने पावर हिटर के नाम से इस रीजन में जाने जाते हैं रमीज उजैर एक फ्री बॉल के साथ अपने बॉलिंग निशान से हल्के कदमों के साथ दो टूबे आए अंपायर को क्रॉस किया इस बार अच्छा शॉट रमीज के बल्ले से आता हुआ फ्री बॉल का भरपूर फायदा उठाएंगे रमीज और बॉल को भेजा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए एक अच्छा आगाज मिलता हुआ यहाँ पर रमीज की इनिंग्स को 6 रन के साथ अपना खाता खोला रमीज ने वीडियो को साथ साथ शेयर करेंगे और अपने अपने टाइम लाइन पर और तमाम तर ग्रुप्स में एक बार फिर उजैर अपने बॉलिंग निशान से हल्के कदमों के साथ दौड़ते हुए आए तेज हुए इस बार अच्छा बॉल बैक ऑफ द लेंथ स्लो ओवर करवाया था और रमीज इस बॉल को समझ में नाकाम रहे और डॉट बॉल के साथ ओवर को जारी सारी रखेंगे उजैर पेसर कमेंट्स में साथ साथ बताते चले कि रिजल्ट और आवाज क्लियर आ रही है यानी उजैर एक बार फिर सामना करेंगे रमीज इस बार अच्छा शॉट वाला शॉट इस बॉल को सिर्फ गाइड किया और मिड ऑफ के फील्ड को क्लियर किया बॉल को भेजा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए और इसी के साथ अंपायर का इशारा के ओवर का दूसरा नो बॉल आएगा उजैर की जानिब से एक और फ्री बॉल मिलेगा रमीज को काफी जबरदस्त मौसम यहाँ पर कुटेड़ा की सरजमीन पर बादल मंडला रहे हैं हमारे सरों पर लेकिन
सर्दी की शिद्दत में भी यकीनन इजाफा होते हुए फ्लड लाइट्स भी ऑन कर गए इंतजामिया कमेटी, क्योंकि हल्का सा अंधेरा भी छा रहा है यहाँ पर। एक बार फिर उजैर फ्रीड बॉल के साथ, इस बार बोल जरूर किया लेकिन फ्रीड बॉल का फायदा मिलेगा रमीज को, पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर का मजमुआ 21 एक विकेट के नुकसान पर। अकबर अदनान जो कि एक मंझे हुए खिलाड़ी थे लेकिन बॉल को धकेलना चाहते थे बाउंड्री लाइन से बाहर, लेकिन वहां पर मौजूद फील्डर की एक शानदार एफर्ट की बदौलत वो पवेलियन में वापस जा चुके हैं और एक विकेट के नुकसान पर 21 रन हो चुका है। पहले ओवर का खेल जारी है, उसारी है और इस लेफ्टी का मैच कल होगा जी इंशाल्लाह। बॉलर गुंदा ने आने वाले बॉलर इम्तियाज सामना करेंगे उनका सामने। इस बार अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद लेकिन उनकी बांह से थोड़ा सा दूर बॉल गिरा। एक रन मिलेगा समी को, एक रन के साथ रमीज स्ट्राइक पर वापस आएंगे। एक बार फिर इम्तियाज सामना करेंगे उनका रमीज, इस बार डाउन द लेग साइड, अंपायर का इशारा वाइड बॉल लिस्ट है, बॉल को दोबारा रीलोड करना होगा इम्तियाज कटर को। वंस अगेन इम्तियाज ओवर द विकेट, सामना करेंगे उनका रमीज। इस बार अपील जरूर की गई थी लेकिन अंपायर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दिए और एक और डॉट बॉल के साथ इम्तियाज अपने ओवर को जारी उसारी रखेंगे। वंस अगेन एक डॉट बॉल करवाने के बाद इम्तियाज अपने बॉलिंग निशान से 2-2 पे आए। बॉल के इनसाइड एज लगा और इनसाइड एज के नतीजे में एक रन मिलेगा। थ्रो जरूर की गई थी अच्छी फील्डिंग वहां पर मौजूद फील्डर की जानिब से लेकिन एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स के नतीजे में एक रन मिलेगा और समी स्ट्राइक पर वापस आएंगे। जकरिया भाई जी बिल्कुल बनगरा का मैच है आज। वंस अगेन समी सामना करेंगे इम्तियाज का, ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस किया, शॉर्ट पिच बॉल अच्छा पर गिरफ्तार बॉल, इस बॉल को समझने में नाकाम रहे और एक और डॉट बॉल के साथ अपने ओवर को जारी उसारी रखते हुए इम्तियाज एक अच्छा ओवर अभी तक उनकी तरफ से देखने को मिला। एक बार फिर समी सामना करेंगे, इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप अंपायर का इशारा कि इस बॉल को रीलोड करना होगा। वंस अगेन इम्तियाज ओवर द विकेट्स, अलके रनअप के साथ दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, स्लोअर वन आउटसाइड है जोर कैच ड्रॉप किया यहाँ पर फील्डर ने, सॉरी विकेट कीपर ने और एक आसान सा कैच था लेकिन उसको जज करने में नाकाम रहे और एक चांस मिलेगा सामी को। वंस अगेन इम्तियाज ओवर द विकेट, सामने मौजूद सामी, इस बार इनसाइड आई लगा लेकिन आखिरी बॉल था तो सिंगल लेने से मना किया कैप्टन रमीज ने और स्ट्राइक अपने पास रखेंगे अगले ओवर में। दो ओवर के इख्तिताम पर स्कोर का मजमुआ अराउंड 30 एक विकेट के नुकसान पर। अगर इस मैच में यहाँ पर रमीज पांच ओवर है, शुजा भाई अकबर अभी हमसे दूर है थोड़ा, बाउंड्री लाइन से बाहर है क्योंकि वो आउट होकर चले गए, वो आते हैं तो जरूर पहुंचाएंगे। इस्लाम आपका नए आने वाले बॉलर अफजाल अपने कोटे का पहला और इनिंग्स का तीसरा ओवर लिया, उनका सामना करेंगे रमीज। अफजाल दो टो पे आए तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छा बॉल बर गिरफ्तार बॉल यॉर्क लेंथ पे गिरा हुआ था और एक डॉट बॉल के साथ अब्दाल अपने ओवर का आगाज करेंगे। रमीज इस बॉल को समझने में बिल्कुल नाकाम रहे और डॉट बॉल अफजाल की खाते में, एक बार फिर अपने बॉलिंग निशान पर मौजूद दूसरा बॉल करवाने के लिए अब्दाल एक बार फिर दौड़ते हुए आए तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, इस बार शॉर्ट पिच बॉल
एक्सीलेंट बॉलिंग फ्रॉम अब्दाल लेपेसर। पहला बॉल यॉर्कर लेंथ करवाने के बाद लेंथ को चेंज किया, लाइन को चेंज किया और शॉर्ट पिच बॉल गिराया, थोड़ा सा बॉल बाहर खींचा और एक और डॉट बॉल करवाने में कामयाब हुए अब्दाल। काफी तजर्बाकार बॉलिंग करवाते हुए अब्दाल एक बार फिर उनका सामना करेंगे रमीज। इस बार फिर लाइन को चेंज किया और एक बार फिर डॉट बॉल करवाने में कामयाब हुए अब्दाल। एक शानदार ओवर जारी सारी रखते हुए लगातार तीन डॉट बॉल करवाने में कामयाब हुए। वीडियो को साथ साथ तमाम तर ग्रुप्स में शेयर करते चलेंगे। पच्चीस के मजमुए पर एक विकेट का नुकसान उठाना पड़ा अभी तक बैटिंग साइड को। एक बार फिर अब्दाल, इस बार अच्छा बॉल टॉप एज, फील्डर बॉल के नीचे किसान कैच लेने में कामयाब और इससे किसान कैच के साथ रमेश की इनिंग्स का खात्मा होगा। 25 के स्कोर पर दूसरा नुकसान उठाना पड़ा। एक शानदार ओवर जारी हो सारी अब्दाल की जानिब से, चौथा ओवर तीसरा ओवर जारी हो सारी है। 25 के मजमुए पर दूसरा नुकसान फहीम शहीद बी की टीम को। यकीनन है ये जिला बाग है का एक बड़ा टूर्नामेंट है, आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर में डर थोड़ा के बाद सैफी ने आने वाले बल्लेबाज विकेट स्ट्राइक पर मौजूद अब्दाल एक बार फिर एक जबरदस्त बॉल के नतीजे में एक और डॉट बॉल करवाने में कामयाब हुए। पांच लगातार डॉट बॉलें करवाने में अभी तक कामयाब हुए और एक बड़ा विकेट लेने में भी कामयाब हुए रमीज की शक्ल में। आया देखना होगा कि इस ओवर को मेडन करवाने में कामयाब होते हैं या नहीं अब्दाल। सामना करेंगे उनका सैफी। इस बार खेला इस बॉल को फील्डर बॉल के नीचे, लेकिन बॉल उनकी पांच से यकीनन दूर जाएगा और बाउंड्री लाइन की तरफ जाता हुआ अंपायर का इशारा देखना होगा। इसी अस्ना में तीसरे रन के लिए मुड़े और आसानी के साथ तीन रन बनाने में कामयाब हुए और खराब थ्रो के नतीजे में चौथा रन बनाने में भी कामयाब होंगे समी। एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, लेकिन खराब फील्डिंग वहां पर मौजूद फील्डर की जानिब से। तीन ओवर के इख्तिताम पर स्कोर का मजमुआ 29 फॉर द लॉस ऑफ टू विकेट्स। आने वाले बॉलर फैसल अपने कोटे का पहला और इनिंग्स का चौथा ओवर लिए 28 के मजमुए पर दो विकेटों का नुकसान उठाना पड़ा अभी तक। इस बार डाउन द लेग साइड अंपायर को एक्सरसाइज का मौका दे रहे हैं यहाँ पर बॉलर्स। इस इनिंग्स के अभी तक छठी व्हाइट बॉल आ चुकी है और एक नो बॉल भी करवाया है अजमल शहीद के बॉलर्स ने। एक बार फिर फैसल राउंड द विकेट्स, इस बार चेंज ऑफ पेस और इस बॉल को समय में नाकाम रहे समी और एक डॉट बॉल के साथ अपने ओवर का आगाज करेंगे। किसी भी बैट्समैन को अभी तक खुल के खेलने का मौका नहीं दिया बॉलर्स ने। एक बार फिर फैसल सामना करेंगे सामी। इस बार आउटसाइड है, फील्डर मौजूद, अटेम्प्ट जरूर किया गया था फील्डर की जानिब से, लेकिन उनकी पांच से थोड़ा सा दूर बॉल, दो रन मिलेंगे यहां पर बैट्समैन सामी को। काफी नपीतुली बॉलिंग का मुजाहरा देखने को मिला अभी तक अजमल शहीद के बॉलर्स की जानिब से। स्कोर का मजमुआ 30 दो विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल जारी हो सारी। एक बार फिर तीसरा बॉल करवाने के लिए अफजाल अंपायर को क्रॉस किया, इस बार अच्छा शॉट है लेकिन वहां पर मौजूद फील्डर एक रन मुकम्मल करेंगे और यकीनन एक रन पे इत्तफाक करेंगे सैफी। इस बार अच्छा शॉट, फील्डर एक बार फिर बॉल के नीचे, एक आसान सा कैच हो सकता है
और बॉल इस बार कैच करने में नाकाम रहे। फील्डर एक आसान सा कैच जरूर था लेकिन जज करने में नाकाम रहे और एक और आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया अजमल शहीद के फील्डर ने। फील्डिंग काफी अभी तक खराब देखने को मिली है लेकिन बॉलिंग ना पितुली अजमल शहीद की जानिब से। वंस अगेन सैफी सामना करेंगे फैसल का। इस बार आउटसाइड एज और इस बार कोई मौका नहीं मिलेगा सैफी को और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के हाथों में। इस तरह तीसरा विकेट फहीम शहीद का, तीसरा नुकसान अजमल शहीद के खाते में, तीसरा विकेट 30-32 के मजमुए पर। इस ओवर का आखिरी बॉल होना भी बाकी, चौथे ओवर का खेल जारी हो सारी। चौथे ओवर का खेल जारी हो सारी, स्कोर का मजमुआ 35 व 3 विकेटों के नुकसान पर। नए आने वाले बैट्समैन दनियाल सामना करेंगे फैसल का। अपने कोटे का पहला ओवर लिए और ओवर का आखिरी बॉल लिए, राउंड द विकेट्स। इस बार फिर जबरदस्त बॉल लाइन अलंत पर करार, सेम लाइन अलंत के साथ एक शानदार ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा। चौथे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर का मजमुआ 35 3 विकेटों के नुकसान पर। इम्तियाज अपने कोटे का दूसरा और इनिंग्स का आखिरी ओवर लिया, उनका सामना करेंगे सामी। इस बार टॉप एज लगा और विकेट कीपर एक बार फिर बॉल के नीचे और एक बार फिर एक आसान सा कैच लेने में कामयाब हुए। इस तरह सामी की इनिंग्स का खात्मा, चौथा नुकसान उठाना पड़ा फहीम शहीद की टीम को 35 के मजमुए पर। Thank you.
मसला नहीं। शुजा भाई अजान हो रही है जी, अजान का वक्फा है, पाँच सात मिनट वक्फा अजान का, उसके बाद आते हैं। खुबैब भाई कमेंट्स में पिन नहीं होता मैच, वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, उधर आप पढ़ सकते हैं, मैच का डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है मैच के बारे में। आया उठी और बगैर सुते आओ लाइव डिजाइन हुई यार, फोन कर रहे हैं।
केड़िया जाहिर दिया मैं डर नहीं हूं सीधा से तार माई टीम प्लस बिल्कुल शुजा भाई हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड में इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैच शुरू होगा तो आपने लाइव ही रहना है। ये व्यूज बहुत कम आ रहे हैं ये क्यों शुक्रिया खुबैब साहब आपका बहुत बहुत शुजा साहब आपका भी इतना अच्छा अच्छा बोलने वाले शुक्रिया साहब आपका भी ठीक दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजान के वक्फे के बाद एक बार फिर मैच को रीस्टार्ट किया जा रहा है। आखिरी ओवर का खेल जारी है। सारी आखिरी बॉल की आखिरी ओवर की पांच बालें अभी होना बाकी हैं। इम्तियाज लेफ्ट हैंडर बॉलिंग पे बॉलिंग निशान पर मौजूद हैं। उनका सामना करेंगे नए आने वाले बल्लेबाज दनियाल। एक बॉल अभी तक फेस किया दनियाल ने और डॉट बॉल के साथ स्ट्राइक पर मौजूद है। इम्तियाज का सामना करेंगे। इस बार अच्छा बॉल टॉप एज लगा और एक रन दौड़कर मिलेगा दनियाल को। दूसरे रन के लिए मुड़ेंगे और आसानी के साथ दूसरा रन बनाने में कामयाब होंगे। आखिरी ओवर का खेल जारी है। सारी चार बालें होने अभी बाकी। इम्तियाज एक बार फिर ओवर द विकेट सामना करेंगे उनका दनियाल। इस बार अच्छा शॉट लेकिन एक बार फिर बॉल हवा में। एक बार फिर फील्डर बॉल के नीचे घूमते हुए लेकिन एक बार फिर बॉल नो मैन्स लैंड में गिरेगा और इस बार तीन रन मिलेंगे बैटिंग साइड को। एक बड़ा टोटल सेट करने में तो अभी तक नाकाम दिखाई दे रही है अजमल शहीद फेम शहीद की टीम। लेकिन मैच है, क्रिकेट मैच है, इसका कुछ कह नहीं सकते। एक अच्छा ओवर मैच को यकीनन तब्दील कर सकता है। तीन बालें होना अभी बाकी इस ओवर में। इम्तियाज एक बार फिर लेकिन इस बार डाउन द लेग साइड अंपायर का इशारा वाइड बॉलर। इस बॉल को एक बार फिर रीलोड करना होगा। बैट्समैन नेम क्या था? बैट्समैन नेम नए आने वाले बैट्समैन हामिद स्ट्राइक पर मौजूद है। उनका सामना करेंगे इम्तियाज लेफ्टी का। अच्छा बॉल इस बार जबरदस्त लाइनो लेंथ के साथ गिरा हुआ बॉल और एक और डॉट बॉल के साथ ओवर को जारी और सारी रखते हुए इम्तियाज पेसर। इम्तियाज वंस अगेन अंपायर को क्रॉस किया। इस बार टॉप एज, इस बार फिर फील्डर बॉल के नीचे और इस बार एक आसान सा कैच। थर्ड मैन के फील्डर करेंगे कैच और अमन की इनिंग्स का खात्मा एक जबरदस्त बॉल के नतीजे में। आखिरी बॉल का खेल होना भी बाकी। दानियाल स्ट्राइक पर मौजूद।
इस बार अच्छा शॉट, कवर की जानिब खेला बाल को, बाल बाउंड्री लाइन की तरफ गामजन, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है, यकीनन इसको फील्ड करेंगे और इसी असना में 3 रन मुकम्मल किए और यकीनन आसानी के साथ 4 रन बनाने में कामयाब होंगे। स्कोर क्या जी? 46 रन का टारगेट सेट किया यहां पर फहीम शहीद बी की टीम ने और 46 रन चेज करने होंगे अजमल शहीद की टीम को ये मैच विन करने के लिए। 46 रन टारगेट इन 5 ओवर्स, कमेंट कर दें। रन्स कमेंट कर दें जी, 5 ओवर में 46 रन्स कमेंट कर दें। इंजमाम भाई बनगरा का मैच नहीं हुआ अभी, उनका मैच इसके बाद शायद है। याद भाई कड़िया टीम इंडिया शोएब भाई अलग खेलने शुरू हुई है बन ग्राउंड है तुसे नहीं मतलब टीम बन ग्राउंड है टीम इंडिया छुट्टी करो पुत्र कितने छक्के मार रहे हो कमेंट कर दें जी, टारगेट 46 5 ओवर में कमेंट कर दें कोई भाई। जकरिया भाई लाइट का इशू हो गया इसलिए सही नजर नहीं आ रहा आपको, लाइट बंद हो गई है शायद, जनरेटर का कोई इशू है।
के स्पोर्ट्स चैनल। फहीम शहीद की टीम ने 46 रन बनाए, कमेंट कर दें जी। 46 रन टारगेट इन 5 ओवर्स, कमेंट कर दें। लाइट आ गई है जी, लाइट झटके खा रही है। हजरात से गुजारिश की जाती है कि जल्द से जल्द दूसरे इनिंग का आगाज किया जाए। काला सरकार फहीम अकरम शहीद क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा रोज, जिसका पहला मैच फहीम शहीद टी वर्सेस अजमल शहीद टूर्नामेंट खेला जा रहा है। शुजा भाई कमेंट कर दें जी, 46 रन टारगेट है 5 ओवर में। 5 ओवर में 45 रन है, कहता है यहाँ पर है सत्याब है अजमल शहीद को यह मैच जीतने के लिए। 30 बॉलों पर 46 रन करता होंगे, देखना होगा इस मैच में किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं अजमल शहीद से। बल्लेबाजी अजमल शहीद से गुजारिश की जाती है कि जल्द से जल्द बैट्समैनों को यहाँ पर भेजे जाए ताकि दोबारा इस मैच का आगाज किया जा सके। एक बड़ा मेला यहाँ पर है सजाया गया है कुछ की सरकुटी पर, ऐसे मंसूब किया गया है सरकार फहीम अकरम शहीद के नाम से। एक बड़ा मेला जिलाबाद के अंदर यहाँ पर सजाने पर हम है इंतजामिया की पूरी टीम है सरकार नारायण साहब की क्यादत में, जितने भी इनके सबको हम इस नाम क्या था उसे नाम बोलिया ना यहाँ पर बता दो चले। दुआ बैट्समैन गुंदा फानी बॉलर गुंदा जी अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरी इनिंग्स के साथ काशान अपने बॉलिंग निशान से पहला ओवर ले आएंगे, उनका सामना करेंगे शोएब। अच्छा बॉल पहला इनसाइड लगने के बाद विकेट कीपर के हाथों में और एक रन मिलेगा। हल्की सी मिस फील्ड हुई थी विकेट कीपर की जानिब से और जिसके नतीजे में एक रन मिला। पहला ओवर आगाज अच्छा किया गया है काशान की जानिब से। दानिश सामना करेंगे काशान का, ओवर द विकेट तोड़ते हुए आए। अच्छा बॉल, इस बॉल को गाइड किया और एक रन के लिए खेला। पहली दो बॉलों पर दो रन आ चुके हैं, 46 रन के छोटे टोटल के ताकब में यहां पर अजमल शहीद की टीम में बैटिंग उनके ओपनिंग बल्लेबाज सोहेब और दानिश विकेट्स के बीच मौजूद। इस बार अच्छा शॉट सोहेब की जानिब से लेकिन बाउंड्री तक रसाई नहीं मिल सकी और एक रन पर इत्तेफाक करना होगा सोएब को। एक रन के साथ पहली तीन बालों पर तीन सिंगल आ चुके हैं, एक स्लो एंड स्टेडी आगाज मिल चुका है अजमल शहीद की टीम को। वंस अगेन दानिश सामना करेंगे काशान पेसर का, ओवर द विकेट्स। इस बार फुल टॉस बॉल इनसाइड एज लगने के बाद फील्डर के महफूज हाथों में बॉल और एक डॉट बॉल के साथ ओवर को जारी रखेंगे। अभी तक एक अच्छा ओवर जारी हो सारी काशान की जानिब से। पहली चार बालों पर तीन रन आ चुके हैं, पांचवा बॉल करवाने के लिए एक बार फिर काशान अपने बॉलिंग निशान से आएंगे, सामना करेंगे उनका दानिश। शॉर्ट पिच बॉल, एक बर्ग रफ्तार बॉल उछाल मिला इस बॉल को, बिल्कुल कोई भी मौका नहीं दानिश को इस बॉल को पिक करने का और एक और डॉट बॉल के साथ ओवर को जारी रखेंगे काशान। काफी बर्ग रफ्तार बॉलिंग करवाते हुए काशान एक बार फिर अपने बॉलिंग निशान से आएंगे, सामना करेंगे उनका
दानिश। ओह माय गॉडनेस, व्हाट अ ट्रेसर बुलेट, लाइक अ ट्रेसर बुलेट फ्रॉम काशान। जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा। पहले ओवर पर 4 रन आएंगे। एक शानदार ओवर अपने इख्तिताम का पहुंचा काशान की जानिब से। सरदार मेहरान के छोटे भाई काशान, एक जबरदस्त उभरता हुआ टैलेंट सामने आते हुए। काफी यंग एज में इस तरह की बॉलिंग करवाना एक यकीनन एजाज की बात है। स्पीड लाइन और लेंथ जबरदस्त है इस बॉलर की, जितनी तारीफ की जाए इस ओवर की कम। नए आने वाले बॉलर उमर महबूब सामना करेंगे उनका सोहेब। हज्जा बॉल, बल गिरफ्तार बॉल फहीम शहीद के बॉलर, जहां पर दोनों बैट्समैनों को बिल्कुल भी खुल के खेलने का मौका नहीं दे रहे अभी तक। सोहेब और दानिश विकेट्स के बीच मौजूद हैं, लेकिन खातर खुआ कोई कामयाबी उनको नहीं मिल रही अभी तक। वंस अगेन अपने बॉलिंग निशान की तरफ गामजन उमर महबूब, एक जबरदस्त बॉल करवाने के बाद एक बार फिर अपने बॉलिंग निशान से ओवर विकेट्स आएंगे। सामना करेंगे उनका सोहेब। अच्छा बॉल, एक बार फिर राउंड साइड पे गाइड किया इस बॉल को, वहां पर फील्डर मौजूद। एक रन मिलेगा और एक रन पे इत्तेफाक करेंगे सोहेब। एक जबरदस्त बॉलिंग जा रही है सारी। दूसरे ओवर का खेल जारी है सारी। चार बालें अभी तक, चार बालें होना अभी बाकी। उमर महबूब एक बार फिर ओवर द विकेट्स आएंगे। सामना करेंगे उनका दानिश। इस बार शार्ट पिच बॉल ऑन साइड पे खेला, एक रन मुकम्मल किया। इंटरेस्टेड जरूर है दूसरे रन के लिए, लेकिन वहां पर मौजूद फील्डर एक अच्छे फील्डिंग का मुजाहरा। तो एक रन पे इतफाक करना पड़ा दानिश को। इसी के साथ कैप्टन ऑफ द साइड सोएब स्ट्राइक पर वापस आएंगे। उमर महबूब वंस अगेन ओवर द विकेट्स, सामना करेंगे उनका सोएब। चेंज अप पेस, फील्डर मौजूद लेकिन उनसे थोड़ा सा वाइड गिरा बॉल। एक रन एक बार फिर मुकम्मल करेंगे और एक रन के साथ वापस दानिश स्ट्राइक पर आएंगे। शानदार बॉलिंग जा रही है सारी अभी तक फहीम शहीद के बॉलर्स की जानिब से। एक छोटा टोटल सेट किया, लेकिन अभी तक काफी नपीतुली बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं फहीम शहीद के बॉलर। वंस अगेन उमर महबूब अपने बॉलिंग निशान से ओवर द विकेट्स। एक बार फिर लाइट्स का इशू आ गया जी, लाइट्स बंद हो गई हैं, शायद बिजली चली गई है। उमर महबूब अपने ओवर का चौथा बॉल लिए, सामना करेंगे उनका दानिश। स्लोवर वन ऑफ साइड पे खेला, यकीनन बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगा चार रन के लिए। एक अच्छा शॉट एक्स्ट्रा कवर की जानेब, एक जबरदस्त ड्राइव किया इस बॉल को और बॉल पलक झपकते बाउंड्री लाइन से बाहर चार रन के लिए। पहली इनिंग्स की पहली बाउंड्री चौके की सूरत में आती हुई अजमल शहीद के लिए। उमर महबूब वंस अगेन ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया। अच्छा बॉल टैपल, फील्डर बॉल के नीचे लेकिन उनकी बांह से दूर, बॉल थोड़ा सा दूर वाइड गिरा और दो रन मिलेंगे यहाँ पर बैट्समैन को। कैच हो सकता था लेकिन काफी वाइड खड़े हुए थे थर्ड मैन के फील्डर और सरवाइव करेंगे दानिश। दो ओवर के इख्तिताम पर स्कोर का मजमुआ 12 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा जारी हो सारी। 18 बालों पर 34 रन बाकी, 18 बाले 34 रन बाकी। काशान अपने कोटे का दूसरा और इनिंग्स का तीसरा ओवर लिया, उनके सामने मौजूद है सोहेब कैप्टन ऑफ अजमल शहीद। स्ट्राइक अपने पास रखा, सामना करेंगे काशान पेसर का। एक जबरदस्त ओवर पिछला देखने को मिलेगा, मिला था इस बार पहला बॉल अच्छा किया है, एक रन मिलेगा यकीनन, फील्डर वहां पर मौजूद है। दूसरे रन के लिए मुड़े, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, शानदार। किसी भी सूरत में वहां पर दूसरा रन अवेलेबल नहीं था, लेकिन जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स के नतीजे में दो रन बनाने में कामयाब हुए। काशान पहली दफा इस स्टेज पर बॉलिंग करवा रहे हैं, लेकिन दाद देनी होगी इनकी बॉलिंग की। वंस अगेन उनका सामना करेंगे
सोएब इस बार अच्छा शॉट, बॉल अच्छा था लेकिन शॉट उससे भी बढ़िया, रास्ता दिखाया इस बॉल को, फाइन लग गया और बॉल पलक झपकते बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। स्कोर का मजमा 5-20 और अंपायर का इशारा, शायद नो बॉल हुआ है यानी कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन अंपायर का इशारा शायद है नो बॉल का दिया गया था। नो बॉल है जी, नो बॉल है, नो बॉल दिया गया था अंपायर की जानिब से। फ्रेड बॉल के साथ काशान आएंगे, पिछला ओवर सिर्फ नो बॉल नहीं है, मदद के साथ नो बॉल नहीं है, वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। काशान एक बार फिर सामना करेंगे उनका सोएब, इस बार अच्छा बॉल इनसाइड आई लगने के बाद, हाई पैड को छूने के बाद बॉल फील्डर के हाथों में, ऐसी हसना में 2 रन बनाने में कामयाब हुए। सही हुई यार, सही हुई। एक अच्छा कमबैक काशान की जानिब से, तीसरे ओवर का खेल जारी हो सारी, स्कोर का मजमुआ बढ़ता हुआ 22, 46 रन के ताकब में काशान एक बार फिर अपने बॉलिंग निशान से आएंगे, सामना करेंगे उनका सोएब, इस बार अच्छा बॉल इनसाइड एज, एक रन मिलेगा और एक रन के साथ दानिश स्ट्राइक पर वापस आएंगे। काशान नहीं में एक बार फिर ओवर द विकेट तोड़ते हुए आए, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छा बॉल, बड़ रफ्तार बॉल लाइक ट्रेसर बुलेट, एक और डॉट बॉल करवाने में कामयाब हुए काशान, जबरदस्त नफीतुली बॉलिंग जारी हो सारी। काशान वन सेकेंड दो टू पे आए, अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की शॉर्ट पिच बॉल, लेकिन अंपायर का इशारा के डेड बॉल, इस आज के दिन का इस मैच का पहला डेड बॉल आते हुए काशान की जानिब से, काफी बरगिरफ्तार तोप के गोले करवाते हुए काशान, लेकिन इस बार लाइन लेंथ को थोड़ा सा बरकरार नहीं रख सके, लेकिन उसका ज्यादा खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा क्योंकि अंपायर का इशारा कि ये डेड बॉल डिक्लेयर किया गया है। वन सेकेंड काशान, सामना करेंगे उनका दानिश, इस बार अच्छा शॉट, फील्डर काबर अदनान वहां पर मौजूद, बॉल उनकी 5 से दूर, लेकिन रिकवर करने में कामयाब हुए इन द एंड, और खराब थ्रो के नतीजे में दूसरे रन के लिए मुड़ेंगे दानिश। उजाफा मिनास भाई अभी ओपनिंग पेयर खेल रहा है जी, कोई विकेट नहीं गिरी अभी। 3 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर का मजमुआ 25 विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट्स, 12 बालों पर 21 रन बाकी, 12 बालें 21 रन बाकी, क्या इस मैच में फहीम शहीद की टीम कमबैक कर सकती है या फिर अजमल शहीद के बल्लेबाज बाजी ले जाएंगे। सलमान भाई इसके बाद बन गांगा शायद मैच अपोनेंट्स का नहीं पता, रमीज अपने कोटे का पहला और इनिंग्स का चौथा ओवर लिए अपने बॉलिंग निशान पर मौजूद, आउटसाइड एज, विकेट कीपर इस बॉल को मिस करेंगे और बॉल जाएगा 2 रन के लिए, कैच हो सकता था लेकिन मुश्किल जरूर था, लेकिन ऐसे अटेम्प्ट से इस तरह के स्मॉल टोटल में आपको करना पड़ेंगे इस मैच में रहने के लिए, और एक अच्छा बॉल था रमीज की जानिब से, आउटसाइड एज लगा लेकिन विकेट कीपर की पास से दूर रहा, इसी के साथ स्कोर बाकी 24-11 बालों पर। रमीज वंस अगेन राउंड द विकेट्स, हेलिकरन आपके साथ दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छा शॉट, फील्डर जबरदस्त फील्डिंग, मुजाहिरा वहां पर मौजूद फील्डर उमर महबूब की जानिब से, लेकिन बूट पे लगने के बाद बॉल नीचे गया, लेकिन एक बार फिर खराब थ्रो के नतीजे में 4 रन मिलेंगे अजमल शाहिद के बैट्समैन को, काफी नाकिस फील्डिंग इन द एंड बॉलर की जानिब से,
क्योंकि वहां पर दो रन बनते थे लेकिन खराब थ्रो किया गया जो कि पहले पत्थर से टकराने के बाद नीचे चला गया और फिर एक बार फिर थ्रो किया गया जो कि उसको कलेक्ट करने में नाकाम रहे और इसी असना में चार रन बनाए सोएब ने और एक बार फिर सामना करेंगे रमेश का। इस बार अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद लेकिन बॉल उनके पास से दूर। इनिंग्स का पहला छक्का आएगा सोएब के बल्ले से। इस इनिंग्स का पहला छक्का आते हुए ये तीसरा छक्का था पहले माजर के साथ दूसरा छक्का लगा इस इनिंग्स का। पहले एक छक्का इसी बैट्समैन सोहेब ने लगाया था और एक बार फिर सामना करेंगे रमीज का। ओवर अराउंड द विकेट तोड़ते हुए आए अंपायर को क्रॉस किया। इस बार अच्छा बॉल जबरदस्त लाइन और लेंथ के साथ गिरा हुआ बॉल एक और डॉट बॉल के साथ ओवर को जारी रखेंगे रमीज। बादल सरों पर मंडला रहे हैं, मौसम काफी सर्द होता हुआ, सर्दी की शिद्दत में काफी इजाफा होते हुए काफी जबरदस्त मौसम यहाँ पर। एक बार फिर रमेश सामना करेंगे उनका सोएब और इस बार जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहिरा रमेश की एक्साइटमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विकेट कितना क्रूशियल साबित हो सकता था फहीम शहीद के लिए। और रमीज की जबरदस्त बॉलिंग नपीतुली बॉलिंग के नतीजे में कैप्टन ऑफ अजमल शहीद आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए। सरदार हमजा भाई हमारी टीम इस टूर्नामेंट में नहीं है जी। ये टूर्नामेंट हम नहीं खेल रहे, हमारे कैप्टन जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है इसलिए। उसामा खान भाई बारिश आई हुई या बादल हमारे सरों पर हैं लेकिन अभी बारिश लगी नहीं है, कोई आसार लग रहे हैं बारिश के, आज काफी ज्यादा बादल मंडला रहे हैं फिर देखते हैं। इस मैच के बाद बनग्रा का मैच है लेकिन लग नहीं रहा मेरे ख्याल से तो ये मैच नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा तेज हवा चल रही है और हमारे सामने बारिश भी काफी तेज लगी हुई है और बादल काफी ज्यादा मंडला रहे हैं। लगता है कि 10-15 मिनट में बहुत तेज बारिश होने वाली है लेकिन मौसम के क्या कहने, काफी दिलफरेब मौसम यहाँ पर, हल्की सी सर्दी लेकिन शायकी ने क्रिकेट के लिए एक शानदार मौसम। बैट्समैन नेम शर्जील ने आने वाले बॉलर अपने कोटे का पहला और इनिंग्स का पांचवा ओवर पांचवा आखिरी ओवर लिया अपने बॉलिंग निशान पर मौजूद, उनका सामना करेंगे वकार। स्कोर कितना बाकी है जी? आखिरी ओवर में 6 रन बाकी। वकार सामना करेंगे शर्जील का, अच्छा बॉल जबरदस्त बॉल पहला और डॉट बॉल के साथ अपने ओवर का आगाज करेंगे शर्जील। यकीनन मैच में कमबैक कर सकते हैं, 5 बॉलें 6 रन बाकी। शर्जील वंस अगेन सामना करेंगे उनका वकार। इस बार अच्छा शॉट और फिनिश करेंगे इस मैच को एक छक्के के साथ ओवर एक्स्ट्रा के बाद। शानदार शॉट वकार के बल्ले से आता हुआ। अजमल शहीद नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, अगले मैच में कुछ ही देर में अगर मौसम सही होता है तो कुछ ही देर में आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।